हेलो गाइस, कैसे हो? नमस्ते। और आज हमारा टूर होने वाला है इंदौर से परतवाड़ा, जो कि महाराष्ट्र में है, और माँ के लिए निकल रहे हैं अभी हम। तो यहाँ पे इंदौर नौलक्खा बस स्टैंड से हमने टिकट बनवा लिया है अमर ममता ट्रेवल्स एजेंसी से, और आज की जर्नी होने वाली है हमारी महाराष्ट्र के लिए। और कैसा कैसा रहेगा टूर में, जो कुछ भी रहेगा सारा मैं आपको दिखाऊँगा। और आप देख सकते हो यहाँ पर ये पूरा बस का है महिंद्रा ट्रेवल्स, और ये राकेश भाई खड़े हमारे, और ये पूरे लगे हुए हैं पोस्टर। आपको जो कहीं पे भी जहाँ पे भी जाना है आप देख सकते हो, और यहाँ से सस्ते में और अच्छी ट्रेवल्स के लिए यहाँ से संपर्क करें। और आप देख सकते हो ये सारी बसें खड़ी हुई है, ये यहाँ पे काम हो रहा है पूरी। ये सामने में जो बिल्डिंग दिख रही है, यही बिल्डिंग के नाम से यहाँ के बस स्टैंड का नाम पड़ा हुआ है। ये पूरा देख सकते हो ऐसे कुछ है, और यहीं से हमारी होने वाली है। और ये इनका ऑफिस है, मैं हर समय यहाँ से भी जाता हूँ, यहाँ पे बनवाता हूँ। महिंद्रा मास्टर ट्रेवल्स, रॉयल टूरिस्ट सर्विस, महिंद्रा ट्रेवल्स औरंगाबाद शिरडी, एसी स्लीपर मुंबई पूना अमरावती नागपुर। तो मैं यहीं से बनवाता हूँ पूरा, और फिर उसके बाद में यहाँ कहीं भी जाना हो यहीं से बुकिंग करवाता हूँ टिकट की। और आगे की बस में कैसा रहेगा जो भी है चले मेरे साथ। और आज का सफ़र होने वाला हमारी ये बस में, जो कि खड़ी है चौहान ट्रेवल्स नागपुर वाली बस है। ये सीधे जाएगी यहाँ से अकोला और नागपुर जाएगी, इंदौर टू नागपुर। तो देख सकते हो बस का हमारा ऐसा है, ये बस है, और 10 नंबर में ये हमारा स्लीपर है। काफ़ी सुंदर बस है, ये देख सकते हो। ये कुछ बस है ऐसी, देख सकते हो अंदर का इंटीरियर। ये अभी हम बैठ चुके हैं, और हमारी बस थोड़ी देर में बस चलने वाली है, इसके बाद में फिर हम दिखाएंगे बाहर का कैसे कैसे चलती है सारा। तो फाइनली दोस्तों हमारी बस निकल चुकी है यहाँ से, नागपुर वाली बस है, और ये बस हमारा 4:30-5 बजे मॉर्निंग के टाइम में पहुँचेगी। और जैसा जैसा रहेगा रास्ते में, ये अभी मूसाखेड़ी एरिया में अभिलाषा नगर में, और ये देख सकते हो चौहान ट्रेवल्स की और गाड़ियाँ खड़ी हुई है। ये धारीवाल कंपनी की है, बड़ौदा भावनगर, और ये कुछ अपना इंदौर ऐसे। ये देख सकते हो बस का इंटीरियर ऐसा कुछ है। तो अभी देख सकते हो हमारी बस इंदौर में ही चल रही है, और जैसा कुछ है अपना इंदौर देख सकते हो, कितना स्वच्छ इंदौर है, और पूरा देख सकते हो आपको क्लीनता में बिल्कुल क्लीन दिख रहा है। तो दोस्तों बस अभी हमारी राधास्वामी, जो कि तेजाजी नगर है, वो वाले चौराहे से निकल चुकी है, और ये जा रही है अभी। देख सकते हो सबसे बड़ा इधर चप्पल जूते का मार्केट है ऐसा कुछ। अभी बस हमारी इंदौर में ही चल रही है। देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा इंदौर का है खंडवा नाका, जो कि एरिया को खंडवा नाका बोलते हैं, और ऐसा कुछ है। रात का देख सकते हो ऐसा है, ये रोड का काम चल रहा है अभी,
ये इंदौर के बाहर का है जो कि खंडवा रोड का है और खंडवा रोड का अभी काम चल रहा है, आप देख सकते हो ऐसा कुछ है। दोस्तों अभी देख सकते हो ये जो है पूरा घाटी का रास्ता आ चुका है जो कि खंडवा रोड पर स्थित है सिमरोल के पास, जिसको भैरूगांड बोलते हैं। ये देख सकते हो कैसा कैसा रास्ता है। दोस्तों नर्मदा नदी आ चुकी है जो कि भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है, आप देख सकते हो। अंधेरे के कारण पूरा बराबर नहीं दिख पाएगा लेकिन आप देख सकते हो ये नर्मदा नदी है और जो कि अमरकंटक से निकली हुई है। ये भारत की सबसे पांचवी बड़ी नदी है और अभी मैं ये नर्मदा नदी के खेड़ीघाट पुल पे हूँ। देख सकते हो। तो दोस्तों समय की बज चुकी है 10:30 और अब मैं सोने जा रहा हूँ, फिर मिलते हैं सवेरे। ओके गुड नाइट। हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो समय के 4:30 बज चुके हैं और अभी हम पहुँचने वाले हैं और अभी हमारा सफ़र तय हुआ है आज का और जनरी बहुत रही और आप देख सकते हो बस का सारा ही। तो दोस्तों देख सकते हो फाइनली हम महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं और महाराष्ट्र में ये आप देख सकते हो श्रीदेव मार्बल, उसके साइड में ये है होटल पुरोहित और अभी हम यहाँ पे नाश्ता करेंगे। और इधर में आप देख सकते हो मेरे पीछे में ये बस स्टैंड है और कुछ सवेरे का व्यू ऐसा है और आप ये देख सकते हो कुछ ऐसा है इस प्रकार से। अभी हम महाराष्ट्र के परतवाड़ा में हैं जो कि अमरावती रोड पर है और नागपुर रोड भी यहीं से है और ऐसा कुछ है। और अभी सवेरे सवेरे हुआ और कितनी क्लीन सिटी है यहाँ पे भी, अच्छी है ये सिटी भी आप देख सकते हो और आगे का कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी देख सकते हो आप बिल्कुल मैं ये गरम गरम नाश्ता तैयार हुआ है और ये होटल के अंदर का है आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के अंदर में ये देख सकते हो ये होटल है यहाँ की श्री पुरोहित होटल।